सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी करंट अफेयर टॉपिक WWF रिपोर्ट ऑन स्नो लेपर्ड के साथ आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ये टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी प्रकृति कोष के द्वारा हिम तेंदुआ अनुसंधान के लगभग 100 वर्ष हिम तेंदुआ क्षेत्र में जानकारी स्थिति की स्थानिक सुस्पष्ट समीक्षा इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या हैं ये जान लेते हैं। 12 से अधिक एशियाई देशों में हिम तेंदुए के 70% से अधिक आवास पर शोध नहीं किया गया है। नेपाल, भारत और चीन ने सबसे अधिक हिम तेंदुआ अनुसंधान किया था। उसके बाद इस अनुसंधान क्षेत्र में मंगोलिया व पाकिस्तान का स्थान आता है। हिम तेंदुआ की आबादी के आकलन पर एक प्रमुख शोध के बावजूद बड़ी बिल्ली की श्रेणी के 3% से भी कम के पास बहुतायत पर मजबूत डेटा उपलब्ध है। विश्व स्तर पर एशिया के ऊंचे पहाड़ों में कम से कम 4000 हिम तेंदुए बचे हो सकते हैं और ये जो बची हुई हिम तेंदुओं की आबादी है इनके सामने आवास की हानि और गिरावट, अवैध शिकार व समुदायों के साथ संघर्ष ऐसे खतरों का सामना लगातार इस आबादी के द्वारा जारी है। भारत में हिम तेंदुए का संरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। भारत प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के माध्यम से हिम तेंदुए व उसके आवास का संरक्षण करता है। भारत 2013 से ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन कार्यक्रम का भी पक्षकार है। भारत ने संरक्षण के लिए 3 बड़े परिदृश्यों लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हेमिस स्पीति, नंदा देवी उत्तराखंड में गंगोत्री, खांगचेन जोंगा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तवांग, ये कुछ क्षेत्रों पर 3 बड़े परिदृश्यों के तहत कार्य कर रहा है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए हिम तेंदुआ 21 गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल है। इसकी सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं को जान लेते हैं। हिम तेंदुए के नाम के आगे वैसे तो तेंदुआ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो तेंदुए से छोटा होता है, यानी कि छोटे तेंदुए जैसा ही दिखाई देता है। तो हिम तेंदुए को IUCN के द्वारा और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में कमजोरी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन और प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध है, जो विश्व स्तर पर और भारत दोनों में प्रजातियों के लिए उच्चतम संरक्षण स्थिति की आवश्यकता को प्रकट करता है। हिम तेंदुए के संरक्षण से संबंधित भारत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनको जान लेते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इसी दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड संरक्षण हेतु एक समावेशी व सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। दूसरा है सुरक्षित हिमालय, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने उच्च ऊंचाई वाले जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता को कम करने पर परियोजना को वित्त पोषित किया। यह परियोजना 4 हिम तेंदुआ रेंज राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व सिक्किम में वर्तमान में गतिशील है। परीक्षाओं की दृष्टि से हिम तेंदुए से संबंधित जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो हिम तेंदुए के संरक्षण से संबंधित जो रेंज हैं वो राज्यों के कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन से वो राज्य हैं। कुल 4 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। फिलहाल आज के टॉपिक में इतना ही। नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने हुए हैं और बने रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।